भारत अपनी पौराणिक संस्कृति और धरोहर को संवारने वाला देश है। यहाँ अनेक मंदिर और धरोहरें आज भी अपना अस्तित्व संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में उज्जैन महाकाल मंदिर में एक और पौराणिक मंदिर के अवशेष मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। महाकाल मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण कार्यों को लेकर खुदाई में करीब 1000 साल पुराना मंदिर मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद अचानक खुदाई के कार्य को रोक दिया गया था, जिसके बाद उज्जैन पुरातत्व की टीम और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को भी सूचना दी गई। इसके बाद 3 सदस्य दल भोपाल से उज्जैन पहुंचा, जहां उन्होंने शुरुआती जानकारी ली और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के डॉक्टर पीयूष भट्ट ने बताया कि खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जो कि संभवतः 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। साथ ही खुदाई में मंदिर का पाट भी नजर आ रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार हैं, उनके निर्देशों पर आज हम लोग यहाँ पर निरीक्षण कार्य करने आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों के साथ उज्जैन विश्वविद्यालय के जो प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के जो प्रोफेसर हैं, वो लोग डॉक्टर अहिरवार साहब हैं, ये हमारे साथ हैं। तो इस हम लोगों ने साथ में निरीक्षण इसमें किया, तो इसमें यही पाया गया कि जो मंदिर परिसर में जो काम चल रहा था खुदाई का, उसमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये अवशेष हैं, ये किसी अभी इसके बारे में बहुत निश्चित रूप से, क्योंकि अभी ये बहुत थोड़े स्तर पर हम लोगों को दिखाई दिया है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि ये किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष रहे होंगे, जो कि अधिष्ठान जिसको बोला जाता है, मंदिर के नीचे का पार्ट जिसके ऊपर पूरा मंदिर खड़ा होता है, उसके पार्ट है। और अभी जब इसमें आगे खुदाई इसकी अभी शुरुआत की जाएगी सावधानीपूर्वक खुदाई इसका, तो उसका पूरा प्लान पता चलेगा कि ये किस तरीके का यहाँ पर देखिए, ये तो अब महाकालेश्वर स्थानीय प्रशासन और महाकालेश्वर मंदिर समिति का निर्णय है कि इसको कब से खुदाई शुरू करें, कैसे करें। इसमें तो जब भी वो खुदाई शुरू होगी तो हम लोग उसमें निरीक्षण करेंगे। नहीं नहीं अभी तो देखिए, अभी तो ये शुरुआती स्तर पर ये काम हो रहा है मंदिर। हम लोग को तो जो पता चला था कि पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि हमारा मंदिर समिति की ओर से या स्थानीय प्रशासन की ओर से कुछ इस तरीके का कोई इनविट वो था नहीं, लेकिन हम लोगों ने पेपर में पढ़ा था और फिर माननीय मंत्री जी ने हमको निर्देश दिए कि आप जाइए देखिए, तो हम लोग यहाँ मिले, सबसे मिले, स्थानीय प्रशासन से मिले, मंदिर समिति के भी कुछ लोग थे उनसे मिले, प्रोफेसर साहब से हम लोग मिले, इनसे चर्चा हुई काफी देर तक। तो उसमें अभी यही पाया गया है कि हाँ निश्चित रूप से ये मंदिर अवशेष यहाँ पर हैं, जो कि लगभग जो प्रतीत हो रहे हैं 10वीं 11वीं शताब्दी के प्रतीत हो रहे हैं, जो कि इनका जो आर्किटेक्चरल जो उनका हमको दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से उन्होंने निरीक्षण किया और उनका कहना था कि मंदिर समिति से उन्होंने कुछ जानकारियां दी, किस प्रकार की जानकारियां? देखिए आज जो आप बता रहे हैं, जो पुरातत्व के विभाग भोपाल से अधिकारी आए थे, एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई इस तरह से अवशेष पुरावशेष निकलते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं, उसी के अनुक्रम में ये आज अध्ययन करने आए हैं। अब इन जो भी रिपोर्ट तैयार होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। देखिए चर्चा पर जैसे मैं सामान्य जैसा मैंने बताया कि उज्जैन प्राचीन नगरी है, इस तरह से प्रावशेष मिलते हैं, तो ये है खुदा का काम उसके पहले से रुका हुआ था, जो प्रशासकीय व्यवस्थाओं के तहत होता है रुको के काम वैसा है, ये भविष्य के उसमें है। ये बात सही है कि हमारे यहाँ उज्जैन ये 1000 साल पुरानी नगरी है और एक्सकेवेशन की अर्थात उत्खनन की बहुत संभावना है, और उत्खनन को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है, भारत सरकार भी गंभीर है, मध्य सरकार भी गंभीर है। ऐसे में उत्खनन की उस अवस्था में राज्य सरकार पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की मदद से अगर ये उत्खनन कराएगी तो उज्जैन के पुराने इतिहास पर बहुत पर्दा जो पड़ा हुआ वो खुल के सामने आएगा और हमारे लिए एक तरह से उज्जैन की वो नई संस्कृति हमारी जानकारी में आएगी, जिसके आधार पर उज्जैन के हम पुरातात्विक उम्र डिसाइड कर सकते हैं। अभी तक जो पुरातत्व अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं वो लगभग 4000 साल से पुराने हैं, लेकिन उज्जैन तो 1000 साल पुरानी है और अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए संसाधन आ गए, नए यंत्र आ गए, तो एक बार नए परिप्रेक्ष्य में उत्खनन होना चाहिए। तो 3 स्थानों के बारे में मैंने रिकमेंड किया है, पुरातत्व कार्यालय, जिला कार्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, दोनों विभाग मिलकर के राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार तक ये प्रस्ताव पहुंचाने वाले हैं, जिसके माध्यम से पुरातत्व की खुदाई का दोबारा एक प्रोग्राम बन के आएगा।
एक गढ़काली का टेकरी है, वेश्य टेकरी है, इसी प्रकार से महाकाल के आसपास भी उत्खनन की बहुत संभावना है। तो जो यहाँ पातीत के काल में आक्रमण होकर के जो मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, ऐसे सभी रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।